हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेलो बोलो सर। हेलो, हाय करो। तो आप बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्योंकि मार्च आ गया है तो एग्ज़ाम ऑनलाइन ही चल रहे हैं। तो मुझे बच्चों को लर्निंग और रिवीजन बहुत कराना पड़ रहा है। तो सेकंड क्लास की ये लड़की है गुंजन, तो इसका है ना, क्या बोलते हैं, 15 मार्च से एग्ज़ाम है और फर्स्ट पेपर ही इसका हिंदी का है। तो मैं इसको हिंदी की प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को है ना हिंदी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें इसको लर्निंग करा रही हूँ, तो देखती हूँ इसको थोड़ा बहुत लर्न होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इसकी ना PDF इतनी सारी आ रही है। अभी भी मैम रिवीजन वर्क करवा रही ना, वो इतना सारा करवा रही है कि वो भी मैं यहीं पर करवाती हूँ, तो इसके पास टाइम ही नहीं बचता पढ़ने के लिए। तो मैंने इसको वर्क करवा दिया है, अब जो 1 घंटा बचा है मैं इसको लर्निंग करवा रही हूँ। तो आज हम कर रहे हैं शब्दार्थ, शब्दों के अर्थों को लर्न कर रहे हैं। यस बेटा, क्या लिखा हुआ है ये? धड़। धड़, धड़ मीन्स शरीर। शरीर, ये क्या लिखा है? तरुवर। तरुवर मीन्स पेड़। रस से भरा, जो चीज रस भरा रहता है ना, रस से भरा। प्रेम से प्यार से उदासी मीन्स दुख। हम उदास हो जाते हैं, दुख होता है। ये क्या है? ठिकाना। रहने का स्थान। जब हम रहते हैं कहीं पर तो उसे बोलते हैं ठिकाना। यस, धड़ मीन्स सामने देखो, धड़ मीन्स ये धड़ है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा धड़ है। तो क्या बोलेंगे? शरीर। धड़ मीन्स शरीर। धड़ मीन्स शरीर। धड़ मीन्स शरीर। धड़ मीन्स शरीर। रसीला, रस से भरा। रसीला मीन्स रस से भरा। रसीला मीन्स रस से भरा। रस से भरा। तरुवर मीन्स तरुवर। तरुवर मीन्स पेड़। तरुवर मीन्स पेड़। रसीला मीन्स रस से भरा। प्रेम से प्यार से प्रेम से प्यार से। उदासी मीन्स दुख। और ठिकाना मीन्स रहने का। सबसे छोटा फल कौन सा होता है? सबसे छोटा फल बेर होता है। कौन सा त्योहार आने वाला है? होली का त्योहार आने वाला है। फलों का राजा कौन है? फलों का राजा आम है। वेरी गुड। हमें कैसे खेल खेलना चाहिए? हमें खेल मिलकर खेलना चाहिए। हमें खेल कैसे खेलना चाहिए? हमें खेल मिलकर खेलना चाहिए। वेरी गुड। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को बोलो। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बोलो, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर लो। धड़ मीन्स शरीर। तरवर मीन्स पेड़। रसीला मीन्स रस से भरा। प्रेम से प्यार से। उदासी दुख। ठिकाना रहने का स्थान। रहने का स्थान। सबसे छोटा फल कौन सा होता है? सबसे छोटा फल बेर होता है। कौन सा त्योहार आने वाला है? होली का त्योहार आने वाला है। फलों का राजा कौन है? फलों का राजा आम है। हमें खेल कैसे खेलना चाहिए? हमें खेल मिलकर खेलना चाहिए। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द
कहते हैं समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जब एक ही शब्द दो तरह के नाम होते हैं ना, जैसे सूरज है तो सूरज को हम क्या बोलते हैं, सूर्य भी बोलते हैं और रवि भी बोलते हैं, है ना। तो जब दो दो एक ही जैसे नाम के दो अर्थ होते हैं तो समान अर्थ होता है, जब दोनों नामों का एक जैसा अर्थ हो रहा है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो देखा होगा आपने कि ट्यूशन पढ़ाना आसान नहीं है। अभी मैंने जो इसको लर्न करा रही हूँ ना, वो मैं इसे कॉपी में भी लिख पाऊंगी। तो पापा आने वाले, अपन घूमने भी जाएंगे। ओके देन, थैंक यू।